न्यू लॉ सिटी के पास ये वो एरिया है जो सैनमा के पास बैरेटॉन में, जहाँ से आपको बहुत अच्छे नान और दही मिल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस टाइम कोई 10-11 का टाइम है, तो चलिए हम देखते हैं कि न्यू लाहौर सिटी के पास है अच्छे कुलचे कहाँ से मिलते हैं, और साथ साथ न्यू लाहौर सिटी की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेटेस्ट अपडेट है, वो भी आप तक शेयर करते हैं। और इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होती है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए जी साथ रहें, अभी हम चलते हैं कुलचे ढूंढने। अच्छे इधर इस टाइम जो सी ब्लॉक के ये जैतून विला है, वहाँ पे ये काम हो रहा है। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के लिए इन्होंने खुदाई शुरू की हुई है कि यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा आजकल जा रही है, तो ये सी ब्लॉक के विला की पट्टी है। यहाँ पे विला अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए, कोई 80 से 90 के बिटवीन इनका रेट है विला के। तो यहाँ पे ये वाली जो सी ब्लॉक फेज टू की पट्टी, और ये जो है वर्कर काम कर रहे हैं सख्त दोपहर धूप में, गर्मी में भी काम शुरू हो रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने गाड़ी में और जाके जो है कुलचे ढूंढ के आते हैं कि कहाँ से अच्छे कुलचे मिलते हैं। गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है और अभी हम चलते हैं फर्स्ट लेने। अभी मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से सी ब्लॉक रेजिडेंस से, तो न्यू लाहौर सिटी के ये जो मैंने आपको बताया था वर्कर जो है इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के वायर डालने के लिए ये काम हो रहा है यहाँ पे। पहले इन्होंने सी ब्लॉक से स्टार्ट किया है, मेन कमर्शियल के पास कर रहे थे यहाँ से, और मज़ीद आपको दिखाते हैं कि सी ब्लॉक में जो कंस्ट्रक्शन है मज़ीद कौन कौन से कहाँ कहाँ पर घर बन रहे हैं। एक ये विला के पास 7 मरल का घर शुरू हुआ है कस्टमर का, 7 मरला कॉर्नर बन रहा है रहायश के लिए। यहाँ पे भी और घर बने हुए हैं, और पार्क के पास एक काफ़ी देर से वो प्लाजा तैयार हो रहा है, वो भी फॉर सेल है। बहुत सारी चीज़ें उसकी शॉप अपार्टमेंट सेल हो चुके हैं, कुछ बाकी है। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा यानी पूरा ग्रे स्ट्रक्चर आलमोस्ट तैयार हो गया है, और ये है वो प्लाजा, ये भी सी ब्लॉक में बना हुआ है कमर्शियल मेन की बैक का कॉर्नर का ये प्लाजा है। बहुत ज़्यादा इस पर ख़र्चा आ चुका है बनने में, ये इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। और इस तरफ ये ऑलरेडी पहले से बने हुए मेन पे कमर्शियल, मैं सी ब्लॉक से निकल के आप मेन बुलेवर्ड पे आ गया हूँ। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा, धूप और गर्मी की वजह से कस्टमर आजकल कम होते हैं। ये मेन पे कमर्शियल है, और इधर जो डी ब्लॉक में भी कमर्शियल जो है तैयार हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग कमर्शियल जो है वो 7 फ्लोर तक तैयार कर रहे हैं, ये भी है डी ब्लॉक, क्योंकि अभी ये तैयार कर लेंगे तो फ्यूचर में इनको फ़ायदा होगा। अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम है। अभी मैं यहाँ से निकला हूँ, और ये यहाँ से प्रीमियर इनक्लेव से होते हुए हम जो कुलचे ढूँढने हैं वो बहरिया टाउन में अच्छे कुलचे मिलते हैं, वहाँ पर साइन बोर्ड सैनमा के पास करीब पड़ता है। इधर सी ब्लॉक में ये भी एक ग्रे स्ट्रक्चर 3 मरल का तैयार हुआ, ये भी सी ब्लॉक का एरिया है, क्योंकि सी ब्लॉक का कुछ एरिया पीछे और कुछ एरिया सी ब्लॉक का कुछ पार्ट ये भी है, ये भी सी ब्लॉक का एरिया फेज टू का। और यहाँ पे अभी और ईंटें आ गई हैं, ये अभी हम प्रीमियर में एंटर हो गए हैं। ये प्रीमियर की बेशुमार वीडियो मैंने बनाई हुई है, प्रीमियर में डे बाई डे काम जो है कंस्ट्रक्शन का जारी है। ये ए ब्लॉक का एरिया सारा टोटल चलता है ग्रे इस पर इस तरफ, और इधर जो है डबल बी ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन जिसकी मैंने वीडियो कॉल बनाई थी वो अभी भी हो रही है। और इस तरफ एक इंस्टॉलमेंट पे ये जो है कमर्शियल प्लॉट है मेन बुलेवार्ड का, इंस्टॉलमेंट पे भी ये बिका है, और इसका पोजेशन 50% पे था, तो पोजेशन लेके कस्टमर ने वहाँ पे अपना बनाना शुरू कर दिया है कमर्शियल प्लॉट। और ये एरिया जो है ये मस्जिद के पास, और यहाँ से राइट की तरफ हमने गोल चक्कर से टर्न करेंगे तो जो सरकारी रोड है ऑलरेडी जो चलता है फेज 3 से और प्रीमियर में, वहाँ से होते हुए हम चलेंगे। अब ये वो एरिया है जो कि सीधा 150 फुट रोड जाके 120 फुट रोड आई थिंक मिलेगा बैरियर के साथ। ये अभी सी ब्लॉक का एरिया, इस तरफ एरिया पहले ये डेवलप नहीं था, अब काफ़ी डेवलप हो गया है। यहाँ पर ये सर्विस रोड के ऊपर टफ टाइल भी आ गई हैं लगने के लिए, और ये 7 इंच की बाउंड्री वाल है। आगे एक जो गोल चक्कर के ऊपर मॉन्यूमेंट बनना था उसका काम भी शुरू हो गया है, पहले रुका हुआ था, अब यहाँ पे ये देखिए ये चेक पोस्ट
ड्रीम मेरी ड्रेव की लगी हुई है सिक्योरिटी चेक पोस्ट, और आगे बी ब्लॉक और सी ब्लॉक है, यहाँ से हमने टर्न करना है ये वाला सरकारी रोड, यहाँ से हम चलेंगे सरकारी रोड पे। यहाँ पे ये लैंड एक कस्टमर ने बाय की हुई है ऑलरेडी, ये प्राइवेट लैंड है, इस तरफ भी अब प्राइवेट लैंड स्टार्ट हो गई। इस तरफ जाकर इसकी सी ब्लॉक की आ रही है कटिंग जो कि फॉर सेल है, ये प्राइवेट लैंड है पट्टी के पास। देखें ये न्यू लाहौर सिटी की डायरेक्शन है कि कुछ लोग भूल जाते हैं बहरे डोन से क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि NFC वेल की तरफ चलें या यहाँ से टर्न करें तो न्यू लाहौर सिटी आ जाता है। तो ये सिनेमा बहरे डोन का है यहाँ पे, और अभी वो आगे बहरे डोन की बैरियर लगा और यहाँ पे वो शॉप है, दही की दुकान भी यहाँ पे है और तंदूर भी है। और मज़ीद लेने के लिए आप बहरे डोन जा सकते हैं आगे, लेकिन ये भी बहरे डोन के अंदर आता है। तो अभी हम पहुँच गए हैं, उस नयान वाले को ऑर्डर देते हैं। ये दुकान शॉप है, ये शॉप बनी यहाँ पे, आपको ये करीब पड़ती हैं, यहाँ पे दही भी मिलेगा और नान तंदूर वगैरह और होटल भी है, ये छोटे 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 यहाँ पे इसके नान अच्छे हैं। तो अभी हम पहुँच के इसको नान का ऑर्डर दे दिए हैं, 2-4 मिनट में वो नान तैयार करेगा। इसी छोटे से व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मज़ीद कोई नई इन्फॉर्मेशन नई व्लॉगिंग के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।